मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल से नहीं है कि हम उस टाइम में पढ़े तो हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर स्कूल से ये शौक था कि गाना उना गाते थे तो बस। बस अभी हम मौजूद है पटना में और मैक्सो हॉस्पिटल के बगल में अभी खड़े हैं। और आपको बता दें कि हमारे साथ अदिति राज हैं, जो कि निशा उपाध्याय भोजपुरी सिंगर हैं। उनको कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले गोली लगी थी और ये देखने के लिए आई हुई है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे काफी कलाकार हैं, ये भी स्टेज शो करने जाती है। ये भी वहाँ पे कोई सुरक्षा तो रहता नहीं है और खुलेआम स्टेज शो होता है, लेकिन वहाँ पे अगर इनको कुछ हो जाए, और भी बहुत दिनों से लगातार चली आ रही है परंपरा हॉर्स फायरिंग का, लेकिन आज तक ये बंद नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं, जिस तरह से निशा उपाध्याय जी के साथ हो रहा है, आपके साथ कभी हो जाए, या बहुत सारे कलाकार ऐसे ही करते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाले दर्शक सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, दिल से नमस्कार। और हम लोग कहीं भी जाते हैं कार्यक्रम करने, चाहे अभी तक ले तो मतलब लोग करते हैं वो फायरिंग, पर अभी तक ले तो दिक्कत मुझे नहीं होती है। और जब वैसा होता है तो मैं बोल देती हूँ कि भाई थोड़ा सा नहीं वो उधरे फायरिंग करिए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, निशा उपाध्याय जी को देखकर क्या डर नहीं लग रहा होगा आप? देखिए वो स्टेज के सामने जब होता है ना तो सब लोग का डर रहता है मन में कि भाई स्टेज के सामने उड़ रहा है, उसका किनकी कहूँ लग न जाए, चाहे कुछ हो न जाए, तो सबको मन में डर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है नहीं होना चाहिए तो अच्छा अच्छा, रहेगा। सरकार से क्या मांग करना चाहिएगा? सरकार से क्या मांग करेंगे, यही कहेंगे कि जो फायरिंग वायरिंग होता है उसके पर हल्का कार्रवाई किया जाए कि ना। अच्छा, आप लोगों के सुरक्षा की दृष्टि से कुछ मांग? हम लोग क्या, सब लोग का प्यार आशीर्वाद रहता है, जो बुलाते हैं उनका भी प्यार आशीर्वाद रहता है। आज तक ले जो भी हमको बुलाए कभी कमी नहीं किए हैं, तो फिर क्या मांग करेंगे। अच्छा, निशा उपाध्याय जी को देखने आ पाई थी, कल भी आई थी, तो क्या लगा, क्या बोली वो, तबीयत कैसा है? जी, अभी उनका तबीयत बहुत अच्छा है, देखने से लगा कि अच्छा है, और ज्यादा नहीं 2-3 दिन के बाद वो बहुत अच्छी हो बहुत जाएंगे। अच्छी हो जाएंगी। कब तक जी लौटने का विचार है उनका, या नहीं, कब तक लौटेंगी हम लोगों के बीच में, यहाँ पे जैसे स्टेज शो करने करेंगी? स्टेज शो करने के लिए अभी उनको हमको लगता है कि 10-15 दिन लग ही 10-15 दिन बाद। जाएगा। अच्छा, ये सब के बारे में थोड़ा सा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन लगातार विवाद होती जा रही है, या थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं, आपने शुरुआत कब किया था? हाँ, हमारे यहाँ संगीत शुरुआत तो हम 2014 में किए थे, पर 2016 से हम गा रहे हैं। अच्छा, कैसे गायकी में आ गई, पढ़ लिखकर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए? जब मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल से नहीं है कि हम उस टाइम में पढ़े तो हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर स्कूल से ये शौक था कि गाना उना गाते थे तो बस। बस यही। अच्छा, घर में क्या रिएक्शन था जब आप गाना गाने आई तो? थोड़ा सा घर में सब लोग का होता है कि लड़की है तो फिर इस लाइन में अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे वैसे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आरोप लगता है लड़कियों पे कि ये है वो है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए अगर इस लाइन में आप चल रहे हैं और मजबूत है, आपके साथ गार्जियन है, तो फिर कोई चीज का दिक्कत नहीं है, आरोप भी नहीं है। अगर आप कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है और गार्जियन के साथ नहीं है तो बहुत दिक्कत अच्छा, घर के, गांव के लोग क्या बोलते थे उस समय है। उस या समय अभी? में ज्यादा हम गांव में रहे नहीं है, और कि मुझे लोग बोलेंगे चाहे सुनने के लिए मुझे मिला होगा तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा, पवन सिंह जी एक स्टेज शो के दौरान अनुपमा यादव को देसिला गाय ये सब बोल देते हैं, उस पे काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, क्या कहिएगा इस पे? आप ये सवाल मेरे से करवे मत करिए। अब देखिए उनका मूड और वो अनुपमा दीदी का मूड क्या है नहीं था वो दोनों आदमी जानेंगे, क्योंकि जब वो कह रहे थे तो अनुपमा दीदी भी सुन रही थी, उनको पसंद आ रहा था तो वो भी सुन रही थी। तो तो जब वो लोगों दो, को क्या दिक्कत है? हाँ, जब उनको नहीं दिक्कत है तो लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी अच्छा, चाहिए। विवाद क्यों होता है, इसको भी एक विवाद का जरिया बनाया जा रहा है? विवाद क्यों होता है उसका जरिया बनाया इसलिए लोग करते हैं ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम इससे इस लाइन में बनल रहे, हाँ,
मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजलि भारती है। अच्छा, आप ही निशा उपाध्याय जी को देखने आई थी। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं इस पे जो पवन सिंह जी बोले हैं अनुपम यादव को? ये प्यार से बोले हैं, वो सुनी है, और ये बहुत बड़ा बात नहीं है। झूठ मूठ का लोग अपना पब्लिसिटी पाने के हाँ लिए झूठो झूठो विवाद फैलाते रहते हैं कि भैंस क्यों बोल दिया, हाँ गाय क्यों बोल दिया, ये सब अलग मैटर है। और छोटा छोटा बातों को लेके बड़ा बना देना, ये कहीं तक सही नहीं है। हम चाहते हैं जो जैसे चल रहा है चले, जिसका जहां तक सफर है वहां तक अपना पार होगा, जैसे हो, बाकी अच्छा, भगवान की हॉर्स मर्जी। फायरिंग पे आप क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि ये बंद किया जाए, और सरकार से यही मांग है कि सरकार भी इस चीजों को एक्शन ले, क्योंकि देखिए कलाकार छोटा हो या बड़ा हो, ये हर जगह हो रहा है। कुछ जी दिन पहले गोलू जी को भी लगा था, तो उससे तो कम से कम लोगों को सुधर जाना चाहिए। अब आज इनको लगा है, तो अब ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, और बढ़ते जा रहा है ये चीज, तो इसको कम करना चाहिए। कि अच्छा, हाँ, सरकार से क्या मांग कीजिएगा? क्या मांग करेंगे, इसको कम करें, उनसे क्या हम लोग मांगेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम लोग बहुत चीज मांगेंगे तो वो दे देंगे, ये बस कम करें। और गाते वक्त कोई फायरिंग ना करे, इस चीज से तो हमें भी बहुत ज्यादा डर लगता है कि हम तो अपने बहुत दुलारी हैं अपने घर हाँ के, अगर हमें लग गया गलती से तो कैसे हमारी हाँ माँ रहेगी। इसलिए अच्छा, आज उनके घर परिवार पे क्या बीत रहा होगा? उनके घर परिवार पे क्या, अब बहुत अभी सब लोग टेंशन में देख रहे हैं। सारे लोगों के वोट पे फेफड़ी पड़ी हुई है, पता नहीं वो लोग खाना खाए हैं कि नहीं 2-3 दिन से, ये भी देखा जा रहा है। और बहुत दुख में है उनके भैया पापा ही लोग, मम्मी लोग, सभी लोग। अभी हम लोग देखे हैं, मिले दीदी से, दीदी भी बहुत दुखी हैं, दर्द हो रहा है उनको बहुत ज्यादा। अब कितना दिन में उनको यहाँ से छोड़ेंगे विक्रम भैया, अब देखिए।